सोमवार को सासाराम के पायलट बाबा आश्रम में भगवान शिव शंकर के मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे बाबा रामदेव। शहर से 3 किलोमीटर दूर 5 एकड़ में फैले पायलट धाम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मंदिर को सोमनाथ मंदिर का नाम दिया गया। उद्घाटन के लिए यहाँ देश भर के साधु संतों और नेताओं का जमावड़ा लगा। देश के अलग अलग इलाकों के महामंडलेश्वर, विदेशों से आए साधु संतों के साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बिहार सरकार के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम भी शामिल हुए। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि गजवाए हिंद की बात करने वालों से निपटने के लिए मोदी शाह की जोड़ी ही काफी है। संसार में कई लोग जब मुझसे मिलते हैं बोले बाबा जी अब ये तो गजवाए हिंद वाले कह रहे हैं कि सरतन से दुदा वाले कि तो इस्लाम कबूल नहीं करेगा, अब उसको हम मिट्टी में खाक में मिला डालेंगे। कहा होगा मैं कहा भाई इसमें क्या बात है, अब ये गजवाए हिंद चलने वाला नहीं है, अब ये सरतन से जुदा इसलिए नहीं चलने वाला, इनको संभालने के लिए तो मोदी जी और अमित शाह ही बहुत है। अब तो पूरी दुनिया में योग का जादू चलेगा, पूरी दुनिया योग करेगा। पूज्य बाबा जी कह रहे थे हमारे कि अभी पूरी दुनिया में लोग धीरे धीरे योग की ओर आ रहे, आज मैं इस बात को इस मन से कह रहा हूं, आने वाले मात्र 10-15 सालों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी योग के मार्ग पर चलेगी। ये है विश्व विजय यात्रा। जिस राजनीतिक आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद, मजहबी उन्माद और तरह तरह के मेडिकल टेररिज्म और अलग अलग प्रकार के उन्माद प्रमाद से जो दौर से गुजर रही है, ये अध्यात्मवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मार्ग पर पूरी दुनिया चलेगी। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और इसको विश्व गुरु बनाने में एक बड़ी भूमिका हमारे पूज्य पायलट बाबा की भी है। तो एक बार बहुत बहुत प्रणाम है। आप सब मिलकर के आज संकल्प लेकर के जाओ, खाली यहाँ आकर के और देवी देवताओं के मूर्ति प्रतिमाओं के दर्शन कर लिए, इतना ही नहीं, ये हाथी और शेर तो दिख रहे नहीं इधर, तो एक संकल्प लेके जाओ हमें हाथी जैसा बल, शेर जैसी स्फूर्ति पानी है। इस सोमनाथ मंदिर की भव्य प्रतिमा बिहार की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन देव दीपावली के शुभ अवसर पर किया गया। अब श्रद्धालु शिव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे।